लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप उनसे भी ज़्यादा बेहतर करें। 15 मिनट लगातार चिंता करने या तनाव में रहने से आपकी एनर्जी इतनी खत्म होगी जितनी यदि आप 1 घंटे लगातार मजदूरी करो। जिस दिन आप दिल से किसी की भलाई या किसी की तारीफ करते हैं, उस दिन आपके बिगड़े काम भी बनने लगेंगे। इंसान ना चाहते हुए भी काम ना करने का बहाना जरूर ढूंढ लेता है, अगर उसने अभी तक काम स्टार्ट नहीं किया है। आत्मविश्वास ही कुंजी है। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते तो कोई भी नहीं करेगा। धैर्य रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आने से पहले मुश्किल हुआ करता है। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा आए जीवन की सच्ची संपत्ति है। दिन प्रतिदिन आप क्या सुनते हैं, आप क्या सोचते हैं और आप जो करते हैं वही आप बन जाते हैं। भविष्य के बारे में मत सोचो और अतीत में मत उलझो, सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दो। जीवन में खुश रहने का यही एक सही रास्ता है। यदि आप स्वयं से प्यार करते हैं तो यह तय है कि आप कभी दूसरों को भी दुखी नहीं देख सकते। बाहर से विनम्र, अंदर से आत्मविश्वासी होना चाहिए। जो मनुष्य अपने बुरे समय में भी अपने कामों में लगा रहता है, उसके लिए बुरा समय भी अच्छे समय में बदल जाता है। दिशा दिखाने वाला सही हो तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का कार्य करता है। मत हंसिए किसी की कमजोरी पर, किसी की बीमारी पर, किसी की गरीबी पर, किसी की बेरोजगारी पर। कमियों पर हंसना है तो खुद की कमियों पर हंसिए, हंसना मत किसी की लाचारी पर। सफल होना भाग्य बदलना होता है, असफल होना जीवन में नया बदलाव होना होता है। चुनौतियों को स्वीकार करो, क्योंकि इससे या तो सफलता मिलेगी या शिक्षा। नकारात्मक स्थिति में सकारात्मक रहना विजेता होने का लक्षण है। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। मेहनत करना मत छोड़ो साथियों, आने वाला भविष्य निश्चय अच्छा होगा। लगाव हृदय में होता है, शब्दों में नहीं, और क्रोध शब्दों में होता है, हृदय में नहीं। खुशियाँ आए जिंदगी में तो चख लेना मिठाई समझकर, गम आए जिंदगी में तो खा ले दवाई समझकर। किसी के सुख का कारण बनो भागीदार नहीं, और किसी के दुख का भागीदार बनो कारण नहीं। उन लोगों पर ध्यान दे जो आपके जीवन में बने रहने का प्रयास करते हैं। संबंध को निभाने की खातिर अपने को खत्म कर देने से अच्छा है कि संबंध को खत्म कर दो। आवाज ऊंची होगी तो कुछ लोग ही सुनेंगे, लेकिन बात ऊंची होगी तो बहुत लोग सुनेंगे। सिर्फ इंसान होना काफी नहीं, इंसान के अंदर इंसानियत का होना भी जरूरी है। जो लोग सोच बदल लेते हैं वो दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं। दुनिया में एक ऐसी चीज जो सबको बराबर मिलती है, और वो है वक्त। बिना विश्वास ना प्रेम संभव है और ना ही प्रार्थना। हासिल कर लीजिए या गवा दीजिए, पर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। लोग कहते हैं कि समय के साथ दर्द कम होता जाता है, लेकिन सच तो ये है कि समय के साथ इंसान को उस दर्द को सहने की आदत हो जाती है। उस इस तरह जिद करना सीखो जो लिखा ही नहीं इस मुकद्दर में, उसे हासिल करना सीखो। चालाक भी उसे किसी को कुछ देर तक मोहित किया जा सकता है, पर जहाँ दिल जीतने की बात आती है तो सरल और सहज होना जरूरी है। नहीं तो मन में उतरने और मन से उतरने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। ज़्यादा बहस अक्सर रिश्तों को खराब कर देती है, इसलिए कभी कभी खामोशी भी बेहतरीन होती है। भरोसा और प्यार दो ऐसे पंछी है, अगर इनमें से एक उड़ जाए तो दूसरा अपने आप उड़ जाता है। आपको कितने लोग पहचानते हैं ये मायने नहीं रखता, बल्कि किस वजह से पहचानते हैं वो बहुत मायने रखता है। हर रिश्ते में अमृत बरसेगा, शर्त इतनी है कि प्रेम करो साजिश नहीं। प्रेम सब कुछ सह लेता है, पर उपेक्षा नहीं सह सकता। कुछ लोग बाहर से जितने खूबसूरत होते हैं उतने ही अंदर से जहरीले होते हैं। कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर विश्वास करना होगा। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। हारने में बुराई नहीं, हार मान लेने में बुराई है। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, बस समय को सही बनाना पड़ता है। जो दिल का सच्चा होगा वो झगड़ा चाहे रोज करेगा, लेकिन कभी साथ छोड़कर नहीं जाएगा। साइकोलॉजी कहता है कि किसी से ज़्यादा प्यार उसकी ज़्यादा केयर ना करे, क्योंकि मानव का स्वभाव ही कुछ ऐसा है, जो चीज़ उसे ज़्यादा या मुफ्त में मिलता है वे उसकी परवाह नहीं करता। मनोविज्ञान का मानना है कि यदि आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं तो इसका मतलब वो इंसान भी आपके बारे में सोच रहा है।